देखिए, ये जो पहलवानों वाला मामला हुआ है, इससे कई सवाल और भी उठ खड़े हुए हैं। जी सबसे पहली बात तो ये है कि जो पहलवानों का जब आंदोलन शुरू हुआ, तो ये लगातार सिविल सोसाइटी और बुद्धिजीवियों पर हमला होना शुरू हुआ कि कोई पहलवानों के साथ खड़ा नहीं हो रहा है। खैर, सिविल सोसाइटी और तमाम लोग पहलवानों के साथ खड़े नजर आए, काफी भीड़ भी होने लगी। लेकिन इसके बाद जिस तरह से इन लोगों ने गृह मंत्री से मिलने के बाद पलटी मारी, और जो आपके खापों में से जो लोग उनको मिलवाने में सक्रिय रहे, उन्होंने जिस तरह जो है एक प्रकार से बीच में दलाली की, उससे फिर से एक बार हो गया कि इस तरह के जब मामले उठेंगे तो जल्दी लोग सामने नहीं आएंगे समर्थन करने के लिए। क्योंकि अगर पार्टी ही विड्रॉ कर जाए तो बाकी समर्थन करने वाले क्या करेंगे? वो तो कहीं पार्टी तो है नहीं, वो तो नैतिक समर्थन कर रहे हैं। अब वो जो महिला पहलवान नाबालिग, जिसको कहा जा रहा है, जिसके पिताजी की तरफ से FIR हुई है, अब वो जो है वो अमित शाह से मिलने के बाद उन्होंने 164 में लड़की का बयान बदलवा दिया। इसके बाद एक आध दो जगह उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि साहब हमने दबाव में बनाया। फिर जो है वो आपके साक्षी मलिक वगैरह जो ऐसे जो और पहलवान है, उन्होंने कहा कि नहीं, उसने कोई बयान नहीं बदला। कुल मिला के सूत्रों के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने खबर ब्रेक की और बाकी लोग उसको उठाते रहे। तो कहने का मतलब है कि आज वो पहलवानों के साथ न्याय हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उससे ज्यादा वो लोग ठगे गए जिन लोगों ने पहलवानों की बात पर विश्वास करके इनको समर्थन दिया था। कि आपने पहले कहा कि हमारे साथ ये हुआ, पाक्सो लगा, लोगों को लगा ये पाक्सो में तो ये कार्रवाई होनी चाहिए, वो हुई नहीं। उस पर जो है तमाम लेख लिखे गए कि भाई पाक्सो में क्या प्रावधान है। आपके मंच पर भी बहस की गई और मंचों पर भी बहस हुई, और पता चला कि वो जो नाबालिग पहलवान है वो हो गई, सारा मामला जो है फिजिल आउट हो गया। आपसे बता रहे, पूरा पूरा केस कमजोर हो गया, जैसे कि आप कह रहे हैं स्वयं। अब सवाल इस बात का है कि अदालत के पाले में जाएगी गेंद, तो अदालत में जो जज साहब हैं वो नारंगी जज हैं कि जो है वो क्या कहते हैं रैशनल जज हैं, इसके ऊपर भी तो निर्भर करेगा कि क्या फैसला करेंगे। लेकिन जी बहस का मुद्दा इसलिए है कि ये केवल आपराधिक मामला नहीं है, इसमें जी जी पॉलिटिकल एंगल जुड़ा हुआ है। गृह जी मंत्री मैनेज करने के लिए पहलवानों से मिल रहा है, और उसके बाद जो है वो उसको वापस लिया जा रहा है, FIR, वो क्या कहते हैं बयान बदला जा रहा है। गृह मंत्री, खेल मंत्री, आपका ये इतना साधारण जो है वो नहीं है, किसी ने किसी के खिलाफ, ये कोई दिल्ली का निर्भया केस नहीं है, ये बहुत हाई जी प्रोफाइल केस है। दूसरी बात, अगर जी वो नाबालिग पहलवान बदल सकती है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो बालिग पहलवान है ये नहीं बदल सकते? इसीलिए लोग जो है इस तरह के आंदोलनों में जल्दी कोई सपोर्ट नहीं करता, आपसे बता रहे। और कोर्ट जी कोर्ट अगर नारंगी निकल गई तो आप क्या करेंगे? जी कोर्ट अगर नारंगी निकल गई और नारंगी ढंग से उसने इन चीजों को लिया, तो आप क्या करेंगे? हम ये पूछ रहे हैं, आप बताइए आप। और जो कि नहीं ले अभी रही है, तमाम तमाम केसेस में देखा जा रहा है। और एक मामले में तो नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हाई जी कोर्ट छोड़कर सुप्रीम कोर्ट लोग आ रहे हैं, तो क्या हाई कोर्ट में भी लोगों का विश्वास नहीं रहा? तो हाई कोर्ट नहीं, यहाँ तो अभी हाई कोर्ट से भी नीचे का मामला है, जहां आए दिन आप जी देख रहे हैं कि बहुत से मामले मानहानि का कारक भी नहीं बनता, और मानहानि के मुकदमे का संज्ञान ले लेते हैं, और जी संज्ञान लेके नोटिस जारी कर देते हैं, सजा तक दे देते हैं। आपसे बता, जी तो एक समय पूरा सिस्टम चरमरा के बैठ गया है, और जिसमें गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री, ये लोग इन्वॉल्व हैं, बीजेपी के सांसद इन्वॉल्व हैं, कोई साधारण अपराधी का मामला नहीं है, ये मुख्तार जी अंसारी और अतीक अहमद का मामला नहीं है। जी हाँ, ये भी समझे आरुषि तलवार वाले में ही पहले उन्होंने संज्ञान लिया, हुआ क्या? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जी उसको पलीटा लगा दिया 6 महीना तक जजमेंट रिजर्व करके, और अब सुप्रीम कोर्ट में धक्का परेड कर रहा है, और जो है दोनों मियां जी बीवी जो है दांत उखाड़ रहे हैं, जो है कहीं दूसरे का एरिया में जाकर के, पहले जो है जी जलवायु विहार में दांत उखाड़ते थे, अब जाकर के चाणक्यपुरी में दांत उखाड़ रहे। क्या हुआ उनका? चार ही जी आदमी रहे, दो आदमी मारे जाए, दो आदमी घर में रहे, ना आने का रास्ता ना जाने का रास्ता, और उनको जो है क्या कहते जी हैं बरी कर दिया जाए, तो कौन बताएगा कि दो जी आदमी कौन मरे? बताया तो था तलवार ने कि साहब वो हेमराज मार के भाग गया, और हेमराज की लाश छत में पड़ी थी। क्या हुआ उसमें, आप बताइए हमको? जी अदालती है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको जो है क्या कहते हैं संदेह का लाभ देकर के बरी कर दिया, और बरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं करेगा, और सुनवाई नहीं करेगा, जब तक नहीं करेगा तब तक तो उनकी दांत उखाड़ने की
क्या दुकान चली रही है, क्या और सामान्य केसों में पार्सों में पहले जांच होगी तब मुकदमा तब जो है कार्रवाई होगी, ये भी इस बीच में होना चाहिए आप तो बता दें जी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गड़बड़ी की, उन्होंने जब FIR का आदेश दिया तो उन्होंने क्यों नहीं उसको मॉनिटर करने के लिए भी किसी को नियुक्त किया, भले ना सुप्रीम कोर्ट का नियुक्त करते हाई कोर्ट का ही नियुक्त करते, उसी दिन हम लोग जान गए कि FIR तो करा रहे होंगे कुछ नहीं। और जनता में परसेप्शन है, जनता में यही है कि जिसमें इतने हाई प्रोफाइल लोग हों उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ दिखावे के लिए खाली ये जो है खाना पूरी हो रही है।